नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। राज ठाकरे के मामले पर अब कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं कि जी हां, कांग्रेस जो इस मुद्दे पर चुप थी, कांग्रेस जो लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा और अजान के मामले पर जो चुप थी, अब कांग्रेस के नेता जमकर राज ठाकरे पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि राज ठाकरे, कांग्रेस ये भी कह रही है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं ये जानना अब आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है, इसीलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कांग्रेस ने क्यों जो है अब राज ठाकरे पर हमला बोला। पहले तो आपको ये बता दें कि स्वयं सेवक सेविके जो है उनके पाटिल जी, उनके तरफ से एक याचिका दायर की गई है जो राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग भी की है मुंबई हाईकोर्ट से। देखना होगा कि इस पर अब क्या होता है। पहले हम सब ने देखा कि नवनीत राणा, और फिर उसके बाद से हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है इस पे राज ठाकरे पे राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। लेकिन उसके बाद ठीक अब कांग्रेस के नेता ने किस तरीके से राज ठाकरे पर हमला बोला, आइए आपको समझाते हैं पूरी खबर क्या। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आरोप लगाया, जी हाँ, उन्होंने बजबते तरीके से आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य की जो सरकार है, यानी महाराष्ट्र की जो सरकार है, नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से डरी हुई है। जी हाँ, देखिए खुलेआम तरीके से कह रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखना होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की कांग्रेस से मिलकर सरकार भी है, और ये भी कह रहे हैं कि इसलिए 1 मई की औरंगाबाद रैली के लिए शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। यानी कांग्रेस के नेता खुलेआम तरीके से ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद में जो हुआ उसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया, वो इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे डर रहे हैं। यानी एक तरफ समझा सा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की, उनके भी एक सोच नहीं है। यानी कि जिस तरह से राज ठाकरे मनमानी करते नजर आए, जब उनको जो मर्जी आया वो उन्होंने किया, उन्होंने धमकी दी और बजबते उन्होंने हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने बजाया भी, लेकिन इसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो लाजमी है कि सवाल तो उठना ही था और किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया। साफ शब्दों में कहा कि आज ठाकरे सरकार डरी हुई है और यही वजह है कि आज उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। देखते हैं कि कांग्रेस के इस एक्शन पे राज ठाकरे क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि आखिर क्या वाकई में राज ठाकरे की गिरफ्तारी होगी। बड़ा सवाल है जिसका इंतजार करना होगा। फिलहाल खबर देते हैं स्पिन आई न्यूज। नमस्कार।